18 अगस्त 2020 के एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि एडिटोरियल्स के साथ साथ डेली करंट अफेयर्स भी मैं दे रहा हूं। लगभग एडिटोरियल अपलोड होने के 3 से 4 घंटे बाद वो डेली करंट अफेयर्स की वीडियो भी अपलोड हो जाएगी, सारी इंपॉर्टेंट चीजें। और मैं इस बात को इंश्योर करूंगा कि जो मैं डेली एडिटोरियल बता रहा हूँ उसको मैं करंट अफेयर्स में रिपीट ना करूँ। तो आप उन वीडियोज को देखें और अपने रिव्यूज दें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। साथ साथ अगर आपको अपने डाउट्स क्लियरिफाई करने तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और अगर वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं आ रहे हैं तो नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम के लिंक के साथ टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया, वहां पे मैं लिंक को अपडेट कर देता हूँ। पहला आर्टिकल, ज्यूरिस्डिक्शनल कॉन्फ्लिक्ट इन द रनिंग ऑफ दिल्ली। सबसे पहले तो देखिए इस आर्टिकल को लिखा किसने, पीडीटी आचार्य जी ने लिखा है, जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं लोकसभा के। तो अब इतनी बड़ी पोस्ट पे अगर ये बैठ चुके हैं तो इनके व्यूज में कुछ लॉजिकल रीजनिंग है, उस लॉजिकल रीजनिंग को समझेंगे। दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर का क्या रोल होता है, आर्टिकल 239AA, आर्टिकल 239BB, जो कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के लिए जो स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए उनकी बात करता है, जो दिल्ली की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसकी क्या ताकत है इनकी बात करता है। और ये जो कंपैरेटिव एनालिसिस हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि रिसेंटली अभी दिल्ली में राइट्स हुए थे। उन दिल्ली में राइट्स की इंक्वायरी के लिए हाई कोर्ट ने ये बोला था कि भाई प्रोसिक्यूटर्स की टीम बिठानी है, प्रोसिक्यूटर्स को अपॉइंट करना है, और वो जो प्रोसिक्यूटर का अपॉइंटमेंट है वो दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट करेगी। लेकिन एक्चुअली दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट ने जिन प्रोसिक्यूटर्स का अपॉइंटमेंट किया उसको रोक के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था उसने प्रोसिक्यूटर्स के नाम फॉरवर्ड कर दिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने किन प्रोसिक्यूटर्स के नाम फॉरवर्ड किए, जो कि दिल्ली पुलिस ने रिकमेंड किए थे। दिल्ली पुलिस किसके अंदर है, तो यूनियन गवर्नमेंट के अंदर है। तो यहाँ पे टसल की स्थिति बनती नजर आ रही है, इस टसल की स्थिति को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छा आर्टिकल। उसके बाद ये जो दूसरा आर्टिकल है, जुडिशियल रेमेडीज फॉर द J&K नेट रेस्ट्रिक्शंस, ये भी बहुत अच्छा आर्टिकल है। सबसे पहले जब मैंने इस आर्टिकल के ऑथर को देखा तो जाह्नवी सिंधु जी ने लिखा, ये दिल्ली बेस्ड एडवोकेट है, तो शुरुआत में मुझे लगा कि शायद आर्टिकल अच्छा ना हो, बट ये आर्टिकल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। इनफैक्ट ये जो कश्मीर में इंटरनेट का इशू चल रहा है ना, कि जब से अगस्त 2019 में जो जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट था उसको 2 यूनियन टेरिटरी में तोड़ दिया गया, उसके बाद वहां पे इंटरनेट नहीं चालू है। बाद में मार्च 2019 में 2G इंटरनेट चालू कर दिया गया, अभी 2 डिस्ट्रिक्ट्स में ट्रायल बेसिस पे इंटरनेट चालू किया गया। तो जो पूरी टाइमलाइन है कि हुआ क्या क्या, फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स केस क्या है, उसके बाद अनुराधा जी ने जो सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की थी उसका क्या इशू चल रहा है, तो ये सारी चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे इस आर्टिकल में देखेंगे। फिर आगे आप बेटर टेस्ट देखिए, यहाँ पे सबसे पहली बात तो कोरोना वायरस का क्या प्रॉब्लम चल रही है हमारे देश में, कितना ज्यादा कोरोना वायरस सीवियर होता जा रहा है हमारे देश में, इसके बारे में कुछ फैक्टर्स दिए हुए हैं। और ये बोला हुआ है कि देखिए अगर कोरोना वायरस से लड़ना है तो US ने जो सलाइवा टेस्ट निकाला है ना कोरोना वायरस के लिए, इस सलाइवा टेस्ट को एक बड़े स्केल में आप इंडिया में अडॉप्ट करिए, जिससे हम एक्चुअली में ये पता कर पाएंगे और बड़े आराम से ये पता कर पाएंगे कि भाई कितने कोरोना वायरस के केस इंडिया में, और जब हम ये पता कर पाएंगे तो कोरोना वायरस से और एफिशिएंट तरीके से लड़ पाएंगे। फाइनली एक आर्टिकल है एंड ऑफ अ रन, धोनी का रिटायरमेंट हुआ है तो उसके रिस्पेक्ट में आर्टिकल, एग्जाम्स के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट रहा नहीं, कोई धोनी का फैन हो तो पढ़ ले इस आर्टिकल को। यहाँ पे बता रखा है व्हाट इज क्रिटिसिज्म एंड व्हाट इज कंटेम्प्ट। देखिए ये जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स चल रही है प्रशांत भूषण जी के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में, ये एक बहुत ही हॉटली डिबेटेड टॉपिक बन चुका है, जिसपे मैं ऑलरेडी करंट अफेयर्स में बात कर चुका हूँ, कल एक दो बार एडिटोरियल्स में बात कर चुका हूँ, शुरू से लेकर अब तक मैं इस इशू को कवर कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं ये आर्टिकल डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, रीजन बिंग टाइम भी नहीं है, और दूसरी बात यह है कि अब ये जो टॉपिक है क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की इतना ज्यादा जरूरी हो गया है कि शायद मैं इसके लिए एक अलग वीडियो आपके लिए लेके आऊं, जहां पे मैं होलिस्टिक तरीके से आपको पूरे केस में हुआ क्या क्या, उसका आउटकम क्या निकला, एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से क्या क्या स्टैटिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है, वो सब मैं आपको उस वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट है फेलिंग टू राइज अप टू चैलेंजेस। यहाँ पे देखिए जो केरला है, केरला स्टेट के सामने इस समय पे कितने चैलेंजेस आके खड़े हुए हैं इसके बारे में बताया गया, और बड़े अच्छे व्यू पॉइंट से बताया गया। देखिए ये केरला की लेजिस्लेटिव असेंबली में लीडर ऑफ अपोजिशन है रमेश चिन्नीथाला। सिर्फ COVID-19 की क्राइसिस ही नहीं, जितनी भी क्राइसिस इस समय पे चल रही है केरला में, सबका थोड़ा थोड़ा जिक्र कर रखा है इन्होंने, तो इसको हम लोग देख लेंगे, एक नजर मार लेंगे, बस मैं आपको बता दूंगा कि एक्चुअली में चल क्या रहा है। फिर इन बिहार अ बैलेंसिंग एक्ट। अब वैसे तो ये एक पॉलिटिकल आर्टिकल है कि बिहार की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में किस किस पॉलिटिकल पार्टी के पास कितनी कितनी सीट्स हैं, और आने वाले जो अक्टूबर 2020 में जो इलेक्शंस आने वाले हैं
उन इलेक्शंस में कौन कौन अलायंस बना के लड़ने वाला है और कैसे फ्यूचर अलायंसेस आगे बन सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में इस आर्टिकल में बात करी गई है। तो एक छोटा सा व्यू पॉइंट आपको 2 से 3 मिनट का कि क्या चल रहा है वो मैं आपको दे दूंगा, ताकि थोड़ी जनरल अवेयरनेस आपको इन सब चीजों के बारे में बनी रहे। तो हम शुरुआत करते हैं अपने इस आर्टिकल की। ज्यूरिसडिक्शनल कॉन्फ्लिक्ट इन द रनिंग ऑफ दिल्ली। In the prosecutors' case issue, the Lieutenant Governor acts have not been in consonance with the Supreme Court 2018 ruling. Supreme Court की 2018 ruling है और उस ruling के जो provisions हैं उसको violate किया है Lieutenant Governor of Delhi ने the prosecutors' case में। सबसे पहले देखते हैं एक basic layout की Supreme Court की 2018 की ruling में बोला क्या। जो constitutional bench थी Supreme Court की, case का नाम क्या था? Government of NCT, National Capital Territory of Delhi versus Union of India 2018। यहाँ पे देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रही है। द एक्सरसाइज ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ डेमोक्रेटिक एंड रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बाय इंसर्शन ऑफ आर्टिकल्स 239AA एंड 239AB वुड टर्न फ्यूटाइल इफ द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली दैट एंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल ऑफ दिल्ली इज नॉट एबल टू अशर इन पॉलिसीज एंड लॉज ओवर विच द दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली हैज पावर टू लेजिस्लेट फॉर द एनसीटी ऑफ दिल्ली। यानी 239AA और 239BB में दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली को सर्टेन पावर्स दे रखी हैं। अब जब उनको आपने पावर दे रखी हैं, तो उन पावर्स के हिसाब से नियम कानून बना सकती है दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली। अब अगर दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली को ये नियम कानून नहीं बनाने दिए गए तो दिस विल बी अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 239AA 239BB। और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में भी इस बात को जब वेरीफाई कर दी गई, जस्टिफाई कर दी गई, तो मतलब एक जुडिशियल एलिमेंट भी आ गया कि भैया जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो ये बोल रहा है कि नहीं भाई, जो नियम कानून नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी ऑफ दिल्ली के अंदर आते हैं वहां पे उनको ही नियम कानून बनाने दो। बट एक्चुअली में ऐसा हो नहीं रहा है। ये बोला जा रहा है कि यूनियन गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस कर रहा है थ्रू लेफ्टिनेंट गवर्नर। यहाँ पे इनडायरेक्टली इस आर्टिकल में ये बात कहने की कोशिश करी जा रही है। अब सबसे पहले तो हम लोग टेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 239AA का। एज फ्रॉम द डे ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991, ठीक है, The Union Territory of Delhi shall be called National Capital Territory of Delhi. Herein, in this part referred to as National Capital Territory, and the administrator thereof to be appointed under Article 239 shall be designated as Lieutenant Governor. So, bhaiya, 239AA, iske through 69th Amendment Act 1991 ke through kya bolta hai ki National Capital Territory ko ab mein ek Lieutenant Governor ko appoint kiya jayega. Yahan pe ek Legislative Assembly hogi, jisme kuch seats hongi, aur in seats ko direct election ke liye थ्रू चुना जाएगा। ये इलेक्शंस कहाँ कहाँ पे होंगे? तो दिल्ली की नेशनल कैपिटल टेरिटरी को कुछ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में तोड़ा जाएगा। जैसा 239AA है वैसा ही 239A है किसके लिए? यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी के लिए। ये भी आप चाहो तो पढ़ सकते हो, क्योंकि रिलेटेड चीजें भी मैं आपके सामने रख देता हूं। फिर एक चीज और देखते हैं, आर्टिकल 239AB क्या है। इफ द प्रेसिडेंट ऑन द रिसेप्ट ऑफ अ रिपोर्ट फ्रॉम लेफ्टिनेंट गवर्नर और अदरवाइज सेटिस्फाइड that a situation has arisen in which the administration of national capital territory cannot be carried on in accordance with the provisions of article 239A or any law made in pursuance of that article, or that for the proper administration of the national capital territory it is necessary or expedient so to do, the president may by order suspend the operation of any provision of article 239AA or of all or any of the provisions of any law made in pursuance of that article for such period and subject to such conditions as may be specified in such law and make such incidental and consequential provision, blah 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 blah, पढ़ते चले जाइए। क्या बोला 239AB? देखिए 239AA में नेशनल कैपिटल टेरिटरी की एक लेजिस्लेटिव असेंबली की बनाने की बात करी गई। ये बोला गया कि जो भी नियम कानून की ज्यूरिसडिक्शन इस लेजिस्लेटिव असेंबली को दी जाएगी वो कर सकती है। लेकिन एट द सेम टाइम आर्टिकल 239AB में क्या बोला गया कि प्रेसिडेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट करता है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर को अगर ये लगता है कि हाँ भाई नेशनल कैपिटल टेरिटरी में आर्टिकल 239AA के हिसाब से काम नहीं हो रहा है, तो उस केस में आर्टिकल 239AA के एप्लीकेशन को कुछ समय के लिए पार्शली कंप्लीटली रोक सकती है प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? यूनियन होम मिनिस्ट्री। तो एक तरफ आर्टिकल 239AA पावर दे रहा है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली को, उसकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को, और दूसरी तरफ आर्टिकल 239AB क्या बोल रहा है कि अगर 239AA के हिसाब से काम नहीं कर रही है ये एनसीटी दिल्ली की, तो आप उससे ताकत ले सकते हो। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि ये कौन डिसाइड करेगा कि आर्टिकल 239AA के हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है? इसको डिसाइड करने की ताकत केवल जुडिशरी के पास है। जुडिशरी डिसाइड करेगी तो या तो दिल्ली हाईकोर्ट आ जाएगा प्ले में,
या सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा, यही दो कोर्ट्स प्ले में आएंगे। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे जो कि इस आर्टिकल में लिखा हुआ है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का 2018 का जजमेंट आया, बहुत बड़ा जजमेंट था, 1000 पन्नों का जजमेंट था, इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली गई। भैया कोऑपरेटिव फेडरलिज्म करो, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्शियंस करो, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी करो, प्रैग्मेटिक फेडरलिज्म करो, बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर को एक रिमाइंडर था इस ऑर्डर के थ्रू कि भैया आपका जितना काम है आप उतना ही करिए, एक्सेसिव इंटरफेरेंस मत करिए स्टेट असेंबली के काम में। वहीं पे स्टेट असेंबली को यह रिमाइंड कराया गया कि आप एक स्पेशल कैटेगरी की यूनियन टेरिटरी हैं, मतलब आप पूरी तरीके से स्टेट भी नहीं है, आप पूरी तरीके से यूनियन टेरिटरी भी नहीं है, तो आप ऑटोनॉमस स्टेट की तरह काम नहीं कर सकते। हारमोनियस फंक्शनिंग होनी चाहिए स्टेट गवर्नमेंट के बीच में और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में, बट ये इंश्योर कौन करेगा हारमोनियस फंक्शनिंग के बीच में? ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो लाइन है, ये लाइन कौन ड्रॉ करेगा? क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर वाला तो इधर घुसेगा और स्टेट गवर्नमेंट इधर घुसेगी। तो यहां पे देखिए अब बात आती है मेन चीज कि कौन क्या करेगा। यहां पे एक चीज लिखी है, द जजमेंट क्लैरिफाइड एंड सेटल्ड मेनी कंटेंशियस इश्यूज सच एज द पावर्स ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर विज़ द इलेक्टेड गवर्नर, हिज डिस्क्रिशनरी पावर्स, द एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ऑन द फेस ऑफ इट इट डिड नॉट वेरी क्लियरली डिलिनेट द इश्यूज इन विच रिस्पेक्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर कैन रेफर अ डिसीजन taken by the Council of Ministers to the President in the event of difference of the opinion between Lieutenant Governor and State Government. मैं बताता हूँ यहाँ कहा क्या जा रहा है। बहुत सारे contentious issues को decide करने की कोशिश की Supreme Court ने अपने 2018 के judgment में। Lieutenant Governor को यह बताया गया कि आपकी कहाँ कहाँ पे discretionary powers हैं। Elected Government को यह बताया गया कि हाँ भाई आपके पास executive powers हैं, but limited executive powers हैं। केवल उन्हीं fields में आपके पास executive powers हैं जहाँ पे आपके पास legislative powers हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कोशिश तो की कि हाँ भाई डिलीनिएट किया जाए दोनों के फंक्शंस को, बट देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, बहुत वास्ट होते हैं, बहुत ट्रिकी होते हैं। एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बैठे बैठे ये चीज कर दे, ये बहुत मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पे जो ऑफिशियल्स हैं उनको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अब बात यह है यहां पे प्ले में क्या आता है, यहां पे प्ले में आता है आर्टिकल 239AA का क्लॉज 4, आर्टिकल 239AA का क्लॉज 4। ये आपके सामने लिखा है आर्टिकल 239AA का क्लॉज 4, ओके ये क्लॉज 4 है 239AA का। यहां पे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, वैसे तो पूरा इंपॉर्टेंट है आप पढ़ लीजिए, लेकिन जो प्रेजेंट इश्यू के कंटेक्स्ट में क्या इंपॉर्टेंट है, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन द लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड हिज मिनिस्टर्स ऑन एनी मैटर, ये एनी मैटर पर फोकस करिएगा, द लेफ्टिनेंट गवर्नर शैल रेफर इट टू द प्रेसिडेंट फॉर डिसीजन एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू द डिसीजन गिवन देयर ऑफ बाई द प्रेसिडेंट। And pending such decision, it shall be competent for the lieutenant governor in any case where the matter, in his opinion, is so urgent that it is necessary for him to take immediate action, to take such action or to give such directions in the matter as he deems necessary. मतलब कि अगर state government ने कोई decision लिया है और अगर lieutenant governor को ये लगता है कि हाँ भाई ये decision थोड़ा सा complex है, थोड़ा tricky है, कुछ है, तो उस case में इस decision को lieutenant governor किसके पास forward कर सकता है? President के पास। अब president को कुछ समय लगेगा उसके ऊपर डिसीजन लेने में, और अगर प्रेसिडेंट को लग रहा है समय उसके ऊपर डिसीजन लेने में, तो इन द मीन टाइम लेफ्टिनेंट गवर्नर को अगर लगता है कि यह मैटर बहुत ज्यादा अर्जेंट है, उस केस में लेफ्टिनेंट गवर्नर खुद इस पर डिसीजन ले सकता है। और यही हुआ है रिसेंटली प्रोसिक्यूटर वाले केस में, वो प्रोसिक्यूटर वाला केस भी मैं अभी आपको बताऊंगा। जो दिल्ली का राइट केस था दोस्तों, दिल्ली में जो भी दंगे हुए थे उसमें यह बोला गया, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट दोनों ने बोला, ऐसा ऑथर बोल रहे हैं कि भैया देखिए स्टेट की गवर्नमेंट के पास, दिल्ली की स्टेट की गवर्नमेंट के पास ये ताकत है कि ये जो राइट्स केस हुए दिल्ली में, इसमें वो प्रोसिक्यूटर्स को अपॉइंट कर सकते हैं। दिल्ली की गवर्नमेंट ने प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट भी किया, बट उसको रिजर्व कर दिया, यानी दिल्ली की गवर्नमेंट ने जिन जिनको प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया, इस डिसीजन को लेफ्टिनेंट गवर्नर ने प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए रिजर्व कर दिया। और इन द मीन टाइम लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दिल्ली पुलिस की तरफ से जो रिकमेंडेशन आई थी प्रोसिक्यूटर्स की, उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब ऑब्वियसली बात है, दिल्ली पुलिस भी एक पार्टी है यहाँ पे दिल्ली राइट केस में। दिल्ली पुलिस जिन प्रोसिक्यूटर्स को सजेस्ट कर रही है, आप सीधे सीधे अगर उन्हीं को रिकमेंड कर दोगे तो एक बायस्ड एटीट्यूड दिखता है, इसीलिए प्रोसिक्यूटर्स वाला इशू यहाँ पे उठाने की कोशिश की जा रही है। समझ गए, तो आप थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे हो गया। तो कुल मिला के ये बात हो गई, नेवरदलेस सुप्रीम कोर्ट हैज सेटल्ड द लॉ इन रिगार्ड टू द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बाय अफर्मिंग द लेफ्टिनेंट गवर्नर इज बाउंड टू एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस। अच्छा एक और बात है,
अगर एक जनरल पर्सपेक्टिव से देखा जाए, ये सोचा जाए कि भैया दिल्ली की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास ताकत कहाँ कहाँ है, तो यहाँ पे एक चीज समझ में आती है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से, आर्टिकल 239AA के हिसाब से, कि दिल्ली की स्टेट गवर्नमेंट के पास उस हर चीज में अथॉरिटी है जो कि लैंड, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस में नहीं आती है। तो ये जो प्रोसिक्यूटर्स को अपॉइंट करने वाली बात थी ना, यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी थी, जिसमें इंटरफेरेंस किया है किसने, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, और इसके थ्रू ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि यूनियन होम मिनिस्ट्री का इंटरफेरेंस है। क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर जब प्रेसिडेंट के लिए किसी भी बिल को रिजर्व करता है या किसी भी डिसीजन को रिजर्व करता है, तो प्रेसिडेंट किसके कहने पे वो डिसीजन लेगा? मोस्ट प्रॉब्ली वहां पे यूनियन होम मिनिस्ट्री का एक बड़ा इन्वॉल्वमेंट होगा या फिर कैबिनेट का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो कुल मिला के बोला यह जा रहा है कि दिल्ली राइट केस में ये जो प्रोसिक्यूटर का अपॉइंटमेंट था, दिस वॉज द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली। लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली के पास, और जो दिल्ली की सरकार है, जो उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उनके पास लेजिस्लेटिव पावर्स के साथ एग्जीक्यूटिव पावर्स भी हैं, और ये उनके एग्जीक्यूटिव पावर्स में आता था, और उनके एग्जीक्यूटिव पावर आप उनसे छीन नहीं सकते। और केवल तीन जगह पे आपकी दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली की पावर को रोका जा सकता है। कहाँ कहाँ पे? लैंड पे, पब्लिक ऑर्डर पे, पुलिस पे। अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोसिक्यूटर वॉज कंप्लीटली अ पावर ऑफ दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली, और इस पावर को लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक्सरसाइज नहीं करने दिया है, जो कि एक बैड प्रेसिडेंट है। यानी कि एक ऐसी सरकार को जिसको दिल्ली के लोगों ने खुद से चुना है, उसको अगर आप काम नहीं करने दे रहे हो, तो यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एथोस के अगेंस्ट है, आर्टिकल 239AA के अगेंस्ट है। यहाँ पे ये सब बातें लिख रखी हैं, बहुत सारी फिलोसॉफिकल बातें भी हैं, उसमें घुसने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं, जुडिशियल रेमेडीज फॉर J&K नेट रिस्ट्रिक्शंस। The Supreme Court must re-examine the government's weak reasons to limit the internet in the erstwhile state. Erstwhile state मतलब अब तो वो state रहा नहीं है, अब तो वो एक union territory बन गई है। देखिए, novel coronavirus pandemic आया और freedoms violate हुई हैं। देखिए, directly नहीं, indirectly हमारे देश के लोगों की freedom violate हुई है। कैसे violate हुई है? भैया देखिए, एक इंसान को ये freedom है कि वो business कर सकता है, वो पढ़ सकता है, वो information को access कर सकता है, वो health care की facilities ले सकता है। आज की date में बहुत बड़ी बड़ी ऐपें आ रही हैं जो ऑनलाइन हेल्थ की सर्विस कराती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल रिसेंटली मैंने एक ऐप को यूज किया, एम फाइन ऐप, बड़ी अच्छी ऐप थी। आप सीधे सीधे डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट लो, अगर कुछ मतलब कुछ दिखाने वाली बात है तो डॉक्टर वीडियो कॉल पे आ जाएगा, या फिर आप लिख के भी या फोन पे बात करके उनको अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो, वो आपको ऑनलाइन ही अपना प्रिस्क्रिप्शन भेज देंगे। बहुत बेस्ट चीज लगी। हालांकि डॉक्टर्स का प्रोफेशन तभी हो सकता है जब आप डॉक्टर के पास जाओ, बट कुछ चीजें ऐसे होती हैं कि आप ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हो। तो अब इन सब चीजों के लिए चाहिए इंटरनेट की जरूरत, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में इंटरनेट रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं बहुत लंबे समय से। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक स्टर्न वार्निंग आई, स्टर्न अप्रोच आई है। 7 अगस्त को सेंट्रल गवर्नमेंट को एक स्टर्न वार्निंग इशू दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कि भैया इंटरनेट बंद क्यों है। तो इस स्टर्न वार्निंग के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि ठीक है भाई, ट्रायल बेसिस पे हम 2 डिस्ट्रिक्ट में इंटरनेट को रिस्टोर करते हैं। अब आप देखिए, ये एक जीत है। बहुत लंबे समय से सिविल सोसाइटी और जम्मू एंड कश्मीर का एक बहुत बड़ा तबका इस बारे में डिमांड कर रहा है कि हाँ भाई, इंटरनेट को आप चालू करिए जम्मू एंड कश्मीर में, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में इंटरनेट इज अ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल। और बिल्कुल दोस्तों, बिजनेस करना, अच्छी जिंदगी जीना, इनफैक्ट नेटफ्लिक्स में मूवीज देखना, ये सब आपके फंडामेंटल राइट्स है। अभी नेट ही नहीं चलेगा, 2G नेट चलेगा तो नेटफ्लिक्स में मूवी कैसे देखोगे? 2G में तो एक फोटो ही 2 मिनट में डाउनलोड होती है। मैं अंडमान जब गया था, वहां पे 2G नेट था, चलता ही नहीं था यार, किसी को फोटो खींच के भेज नहीं सकते, आपके पास कोई फोटो आ नहीं सकती। यूपीएससी मेंस का रिजल्ट आया था, वहां पे डॉक्यूमेंट्री लोड नहीं हो रहा था, व्हाट्सएप पे भेजा मेरे दोस्त ने। तो इस तरीके की चीजें, तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं और J&K के लोगों के, वो ओवरलेट हो रहे हैं। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे स्टर्न अप्रोच दिखाई, और ऑथर का ये बोलना है कि नहीं भाई, सुप्रीम कोर्ट को और स्टर्न अप्रोच दिखानी चाहिए, और ये जो डिसप्रोपोर्शनेट रिस्ट्रिक्शंस हैं, इनके अगेंस्ट इफेक्टिव रेमेडी दी जानी चाहिए। यानी कि ऑथर का ये बोलना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो डिस ये जो रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, ये रिस्ट्रिक्शंस प्रोपोर्शनेट नहीं है, ये रिस्ट्रिक्शंस वैलिड नहीं है, जस्टिफिएबल नहीं है, अनजस्टिफाइड है, ऐसा ऑथर का बोलना है। ऑथर इसके लिए कोर्ट क्या कर रहा है, देखिए क्या कोर्ट कर रहा है। The special rapporteur on freedom of opinion and expression of the United Nations and representatives of other regional organizations in a joint declaration have pointed out that neither the slowing nor the shutting down of the internet is justiciable even on national security grounds. मतलब कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस का,
द स्पेशल रिपोर्टर ऑन फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेशन और कुछ और रिप्रेजेंटेटिव से रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के, उन्होंने बोला भले ही नेशनल सिक्योरिटी खतरे में तब भी आप इंटरनेट को स्लो डाउन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी तो खतरे में आएगी कुछ बेकार लोगों की वजह से, लेकिन उसकी वजह से हजारों और लाखों की तादाद में जो इनोसेंट सिविलियंस हैं उनके राइट्स रिस्ट्रिक्ट होंगे। तो कुछ लोगों की हरकतों की वजह से आप लाखों और मिलियंस ऑफ लोगों के राइट्स को खतरे में नहीं डाल सकते, ये बात बोली गई। अच्छा, सरकार ने यहाँ पे एक लॉजिक दिया है कि भैया हमने 2G तो चालू कर रखा है मार्च 2020 से, बट ऑब्वियस ही बात है कि देखिए 2G चल नहीं पाएगा। ओके, द प्रोविजन ऑफ 2G इंटरनेट और मोबाइल फोन सिंस मार्च 2020 हैज फेल्ड टू प्रोवाइड एनी मीनिंगफुल रिस्पेक्ट टू द पीपल ऑफ J&K। क्योंकि भाई पैंडेमिक की वजह से ना वो किसी डॉक्टर के साथ टेली कंसल्ट कर सकते हैं, ना फैमिली के साथ वीडियो कॉल कर सकते हैं, और ना ही कोई ऑनलाइन क्लास पढ़ सकते हैं। तो मैं अगर यहाँ पे एडिटोरियल डिस्कशन रिकॉर्ड कर सकता हूँ तो J&K में बैठा हुआ कोई इंसान इस एडिटोरियल को नहीं देख पाएगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर 240 या 360 पिक्सल पे भी वो यूट्यूब पे वीडियो चलाता है मेरी, तो चलेगी नहीं, क्योंकि 2G की स्पीड बहुत ज्यादा कम होती है। ओके, इसकी वजह से अगर एक अंदाजा लगा जाए कि कश्मीर की इकोनॉमी को कितना नुकसान हो रहा है, तो भाई नुकसान तो हो रहा है। कोरोना के पैंडेमिक में टूरिज्म बंद है, हैंडीक्राफ्ट बिकेंगे नहीं, एग्रीकल्चर बंद है। उसके बाद जो कश्मीर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, उसका यह बोलना है कि भाई रीजन की इकोनॉमी को पिछले एक साल में 40,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, और जिसकी वजह से, जिसके लिए एक हद तक ये इंटरनेट का शटडाउन भी रिस्पॉन्सिबल है। लॉकडाउन तो रिस्पॉन्सिबल है ही, जो पाकिस्तान इंसर्जेंसी को प्रमोट कर रहा है कश्मीर में वो भी रिस्पॉन्सिबल है, साथ साथ कुछ हद तक ये जो इंटरनेट रिस्ट्रिक्शंस लगे ये भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जो कश्मीर के लोग हैं वो अपने बिजनेस को ऑनलाइन नहीं कर पाए हैं। अब हम बात करते हैं लीगल एंगल की। देखिए, अगस्त 2019 से दो बार सुप्रीम कोर्ट में जो इंटरनेशनल, ये जो इंटरनेट रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं J&K में, इनको चैलेंज किया जा सकता है। मैंने पहले के एडिटोरियल में भी इसको डिस्कस किया है। शुरुआत में तो सुप्रीम कोर्ट ने इन रिस्ट्रिक्शंस पे कुछ खास रूलिंग दी नहीं, जैसे कि जनवरी 2020 में अनुराधा भसीन जी ने जब सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की इसको लेके, तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ लिमिटेड रिलीफ दी। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से बोला कि आप ऑर्डर्स इशू करिए, जिन ऑर्डर्स के दम पे आपने जम्मू एंड कश्मीर में ये इंटरनेट को रिस्ट्रिक्ट किया है, फिर आप ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं इनको रिव्यू करिए हर 7 दिनों में। फिर आप देखोगे दोस्तों, ये तो है जनवरी 2020 की बात। अब एक बात खास है, जनवरी 2020 में कोरोना वायरस नहीं आया था, कोरोना वायरस बाद में आया, पैंडेमिक बाद में आया, लॉकडाउन लगा दिया गया। जब लॉकडाउन लगा दिया गया उसके बाद जब कोर्ट में केस गया, तो वहां पे एक फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स का केस था, उसमें ये बोला गया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल वाले केस में कि एक एग्जीक्यूटिव बनाई जानी चाहिए और एग्जीक्यूटिव कमिटी इस बात पे रिव्यू करेगी कि ये 2G स्पीड रिस्ट्रिक्शंस जो लगाए गए हैं क्या वो सही है या गलत है। अब बात ये है दोस्तों कि ये जो एग्जीक्यूटिव बनी थी, शुरुआत में बोला गया कि इसका हेड करेंगे कैबिनेट सेक्रेटरी, बाद में सरकार ने कैबिनेट सेक्रेटरी से कम करके होम सेक्रेटरी कर दिया था शायद, शुरुआत में बोला गया था कैबिनेट सेक्रेटरी इसमें हेड करेंगे। इस बात पे सुप्रीम कोर्ट की कड़ी निंदा हुई, बहुत ज्यादा सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज किया गया। क्यों क्रिटिसाइज किया गया? क्योंकि देखिए, जिसने इस नियम कानून को इंप्लीमेंट किया है, जिसने इंटरनेट रिस्ट्रिक्शन को कश्मीर में इंप्लीमेंट किया, आप उसी से बोल रहे हो कि एक कमिटी बताओ, बनाओ और हमें बताओ कि तुमने जो किया है वो सही है या गलत है। अरे एग्जीक्यूटिव जो है, जो सरकार है, वो तो यही बोलेगी ना कि हम जो कर रहे हैं वो सही है। ओके, अगर आपको कमेटी बनानी है तो एक इंडिपेंडेंट कमेटी बनाइए, आप सरकार से ही बोल रहे हो कि एक सरकारी ऑफिसर उस कमेटी को ऐड करे, वो सही नहीं है। अब यहां पे दो आर्ग्यूमेंट निकल के आते हैं, मतलब जुडिशरी इस इशू में एक लिमिट से ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रही है, इसके लिए दो आर्ग्यूमेंट्स निकल के आ रहे हैं जुडिशरी की तरफ से। पहला आर्ग्यूमेंट तो ये है दैट सच डिसीजंस आर नॉट बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स दैट कैन बी प्रेजेंटेड टू एंड असेस्ड बाय अ जुडिशियल बॉडी but are based on subjective satisfaction of officers who possess exclusive knowledge of the situation on the ground. ये subjective satisfaction है ना दोस्तों, ये intense debate का topic रहा है सालों से, ना केवल इंडिया में, दुनिया भर में। अभी यहाँ पे कोर्ट का जजमेंट का मैं आपको रेफरेंस भी दूंगा जो कि इस आर्टिकल में दे रखा है। तो मतलब कुल मिला के कश्मीर में एक्चुअली में हो क्या रहा है ऑन ग्राउंड, वो वहां पे जो ऑफिसर्स हैं, जो डेप्यूटेड है, जो पोस्टेड है, उनको पता है। एक जुडिशरी ऑब्जेक्टिव असेसमेंट के आधार पे इन सब चीजों पे डिसीजन नहीं दे सकती, ये सुप्रीम कोर्ट का बोलना है। और सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन ऑफ ऑफिसर्स जब आ जाता है, यहाँ पे ऑथर बोल रही हैं कि जब आप सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन ऑफ ऑफिसर कर लोगे ना,
तो फिर आप इंग्लिश कोर्ट वाली प्रैक्टिस पे जा रहे हो। आपको मैंने बताया ना ब्रिटेन की पार्लियामेंट के बारे में, ब्रिटेन की पार्लियामेंट बहुत ताकतवर है, ब्रिटेन में जुडिशरी उतनी ताकत नहीं है। तो जो ब्रिटेन की जुडिशरी है वो वहां के पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए एग्जीक्यूटिव लॉज को उतना काउंटर नहीं कर सकती, उतना स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकती। लेकिन अगर आप हमारे संविधान की बात करो तो हमारे संविधान में सुप्रीम कोर्ट को अंडर आर्टिकल 32 ये ताकत दी गई है कि अगर कोई चीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो आप उसका जुडिशियल रिव्यू करके उसको स्ट्रक डाउन कर सकते हो। तो जो सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन है सुप्रीम कोर्ट के पास, हमारे जुडिशरी के पास ये ताकत है कि अगर जुडिशरी को लगता है कि भाई सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन है जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स का वो गलत है, तो उसके बेसिस पे लिए गए डिसीजन को जुडिशरी स्ट्रक डाउन कर सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का क्या बोलना है कि देखिए हमारे पास जो चीजें आ रही हैं वो ऑब्जेक्टिव असेसमेंट से, ग्राउंड में कश्मीर में क्या हो रहा है हमको पता नहीं है। तो सब्जेक्टिव असेसमेंट वही लोग करेंगे जो ग्राउंड में कश्मीर में डिप्यूटेड है, और हम इस पर डिसीजन नहीं लेंगे। इस तरीके की अप्रोच शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने ली, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट की थोड़ी निंदा की गई है। यहां पर देखिए दोस्तों एक और केस को कोर्ट किया गया है, जस्टिस विवियन बोस थे 1956 में। जस्टिस विवियन बोस ने कहा कि अगर आप सारी ताकत सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन की ताकत आप अगर आप एग्जीक्यूटिव बॉडीज को दे दोगे ना, तो एग्जीक्यूटिव बॉडीज को एक लिमिट से ज्यादा ताकत मिल जाएगी। जब किसी को एक लिमिट से ज्यादा ताकत मिलती है तो उसकी टोटलिटेरियन अप्रोच हो जाती है, डिक्टेटोरियल अप्रोच हो जाती है। तो उस केस में फंडामेंटल राइट्स का कोई मतलब नहीं रह जाता, ऐसा विवियन बोस ने बोला। 1976 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया एडीएम जबलपुर का। अब 1976 सोचिए किस समय का टाइम है, इमरजेंसी का टाइम है। इमरजेंसी के टाइम पे बोला गया इमरजेंसी के दौरान जो भी स्टेप्स लिए गए, डिटेंशन किए गए, देवर बिकॉज ऑफ सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, और उसमें जुडिशरी कुछ नहीं कर सकती। अब ये बहुत ही गंदा जजमेंट था, ऐसा बोला जाता है कि मतलब जो डिटेंशन किए गए इमरजेंसी के दौरान, जो कि इलीगल डिटेंशन थे, उनको आपने क्या बोल दिया कि दे आर बिकॉज ऑफ सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, और इसमें जुडिशरी कुछ कर नहीं सकती। मतलब जुडिशरी हमारे देश के लोगों के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। इसको बोला जाता था बेस, बिल्कुल डाउनफॉल, नैडर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। फाइनली इस चीज को के.एस. पुट्टुस्वामी केस में बदला गया। के.एस. पुट्टुस्वामी केस में ये बोला गया कि अगर एक सिटीजन के मोस्ट प्रेशियस राइट्स जा सकते हैं तो जुडिशियल रिव्यू अवेलेबल है, और जुडिशियल रिव्यू के थ्रू उसको रोका जा सकता है। तो ये एक आर्ग्यूमेंट था कि सब्जेक्टिव असेसमेंट वाला, सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन को निगेट किया जा सकता है अगर अप्रोप्रिएट अमाउंट में प्रूफ अवेलेबल है, ऐसा ऑथर का बोलना है। दूसरा कि भैया कोर्ट ये बोल रहा है कि हम कॉम्पिटेंट नहीं है उन मैटर्स को रिव्यू करने के लिए जो कि नेशनल सिक्योरिटी के। ऑथर यहां पे बोल रही कि नहीं आप कॉम्पिटेंट हो, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार जजमेंट दिए क्रिप्टो करेंसी के लेके। जब आधार कार्ड को सिम कार्ड से लिंक करने की बात की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिए। जब बैंक अकाउंट को सिम कार्ड आधार से लिंक करने की बात की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने रोका। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट देता है। तो उन नेशनल सिक्योरिटी की चीजों पर अगर आप अपना जजमेंट दे सकते हो तो इस वाली चीज पर अपना जजमेंट क्यों नहीं दे सकते हो? ये सब बातें देखिए दोस्तों कही गई। फाइनली अनुराधा भसीन केस में कोर्ट ने प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट को रखा है एज द फ्रेमवर्क फॉर सच असेसमेंट। प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट क्या है कि देखिए कोई भी डिसीजन लेने में गवर्नमेंट को 4-step जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। सबसे पहले तो इट हैज टू शो दैट द रिस्ट्रिक्शंस आर इन परसुएंस ऑफ अ लेजिटिमेट एम, कि आप जो कुछ भी कर रहे हो उसका एम लेजिटिमेट होना चाहिए, जो कि इस केस में सरकार बोल रही है नेशनल सिक्योरिटी है। They are suitable to achieving that aim. जो भी आप step ले रहे हो क्या वो step उस aim को पूरा कर रहा है, national security को पूरा कर रहा है? तो जम्मू एंड कश्मीर के कुछ groups की report आई है कि भाई जो violence है वो इस internet lockdown के बाद भी रुका नहीं है जम्मू एंड कश्मीर में। तो कुछ हद तक देखने में अगर prima facie देखा जाए तो नहीं पूरा कर रहा है। फिर that there exist no less restrictive alternatives that would limit the right to a lesser extent. आपने इंटरनेट को ब्लॉक कर दिया उससे लोगों के राइट्स वायलेट हुए, क्या इसके अलावा कोई अल्टरनेटिव रिस्ट्रिक्शन नहीं थी जिससे लोगों के राइट्स थोड़े कम रिस्ट्रिक्ट होते और आपका पर्पस भी पूरा हो जाता? एंड फाइनली द एडवर्स इंपैक्ट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस आर प्रोपोर्शनेट टू देयर बेनिफिट, कि अगर आप रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो तो उसके कमेंसुरेट बेनिफिट्स भी होने चाहिए, जो कि इस केस में कहा जा रहा नहीं हो रहे हैं। रिस्ट्रिक्शन लगाने के बावजूद भी जम्मू एंड कश्मीर में वायलेंस रुक नहीं रहा है। अब ये एक अलग बात है कि अगर रिस्ट्रिक्शन हटा देते हैं तो वायलेंस किस हद तक बढ़ेगा ये किसी को भी नहीं पता है, खासकर बेंगलोर के राइट्स को देखने के बाद तो हम कह ही नहीं सकते। फाइनली आते हैं अब बेटर टेस्ट। इंडिया शुड क्विकली अडॉप्ट द रैपिड इनएक्सपेंसिव एंड सेंसिटिव सलाइवा टेस्ट। भैया इस सलाइवा टेस्ट के बारे में मैंने आपको कल इन्फॉर्मेशन दी थी
यूएस के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी ने इस जो किट है इसको बनाया है। अभी देखिए इंडिया में हालत बहुत खराब चल रही है दोस्तों। 15 अगस्त को इंडिया में 50,000 से ज्यादा डेथ हो चुकी है, लगभग 26 लाख कोरोना वायरस के केसेस हो चुके हैं। और अभी के लिए आप देखोगे 2 अगस्त से लेकर अब तक दुनिया में सबसे ज्यादा केसेस कोरोना वायरस के इंडिया में निकल रहे हैं, ब्राजील और यूएसए से भी ज्यादा। 51,045 तक हमारा जो डेथ टॉल है वो पहुंच चुका है। खास बात दोस्तों ये थी कि भैया 16 जुलाई को 25,000 था डेथ टॉल, और आप देखिए 16 जुलाई से 30 जुलाई मतलब 15 अगस्त तक, 16 जुलाई से 15 अगस्त तक हो गए 30 दिन, इन 30 दिनों में जो डेथ टॉल है वो 50,000 पहुंच गया, यानी 30 दिनों के अंदर 25,000 लोग मर गए, ऑलमोस्ट 800 से ज्यादा लोग एक दिन में। ऐसा ये भी कहा जा रहा है कि भैया ये सिचुएशन, ये जो मैंने आपको डाटा बताएंगे, और ग्रिम हो जाएंगे और डेंजरस हो जाएंगे जब आप इस चीज को कंसीडर करोगे कि बहुत सारी डेथ्स को रिपोर्ट ही नहीं किया जा रहा है। मेडिकली सर्टिफाइड कॉज ऑफ डेथ बताया था ना आपको पहले मैंने, तो गुजरात तेलंगाना जैसे स्टेट से वहां पे वैसे ही कम रिपोर्टिंग हो रही है डेथ्स की। ये बोला जा रहा है कि तेलंगाना में तो कभी एक दिन में 15 से ज्यादा डेथ हुई नहीं कोविड की वजह से, गुजरात में एक दिन में कभी 30 से ज्यादा डेथ हुई नहीं एक दिन में। तो कुल मिला के बात ये कही जा रही है कि डेथ टोल को दबाया जा रहा है, हालांकि किस हद तक दबाया जा रहा है इस बात पर कमेंट नहीं किया जा सकता है। अगर डेथ्स पर मिलियन पॉपुलेशन की बात की जाए तो वो इंडिया में कम है, एक चीज अच्छी, जैसे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में सब में ये जो डेथ पर मिलियन पॉपुलेशन का जो फिगर है ये भाई कम है। आप देखिए जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, केसेस बढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि रैपिड एंटीजन टेस्ट हो रहे हैं, तो उस रैपिड एंटीजन टेस्ट के चक्कर में जो रिजल्ट है वो जल्दी आ जाता है, जब रिजल्ट जल्दी आता है तो पता चल जाता है भाई कौन कोविड पॉजिटिव है। ज्यादातर लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं, उनको कोई सिम्टम्स आ ही नहीं रहे। जो बड़े बड़े शहर हैं वहां पे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत खराब है। ये भी बोला जा रहा है कि जो रैपिड एंटीजन टेस्ट किट है ये बहुत कम सेंसिटिव है, तो अगर रैपिड एंटीजन टेस्ट किट कम सेंसिटिव है और अगर वो कुछ लोगों को नहीं पकड़ पाती है जिनको कोरोना वायरस है तो उसके डिजास्टर्स आउटकम्स हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जिनको वो नहीं पकड़ पाएंगी कि इनको कोरोना वायरस है वो कोरोना वायरस आगे फैलाते रहेंगे, तो कोरोना वायरस फैलता रहेगा। तो इसीलिए जरूरी है कि ये जो भाई सलेवा टेस्ट लेके आया है यूएसए, इसको हम एक मैसिव स्केल पे अडॉप्ट करें। येल यूनिवर्सिटी ने इसको बनाया है, कहा जा रहा है कि इसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, यूएस में तो इसको टेस्ट किया ही जाएगा, उसके बाद हम भी इसको एक मिशन मोड में अपना सकते हैं, क्योंकि इससे टेस्टिंग बहुत आसान है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि नॉन इन्वेसिव है, नॉन इन्वेसिव का मतलब क्या होता है कि जब आरटीपीसीआर टेस्ट आप कराओगे ना तो नाक के अंदर वो आपके एक सिरिंज घुसेड़ेगा, काफी थोड़ा अनकंफर्टेबल सा लगता है, मैंने भी ये टेस्ट कराया था। सोचिए जो पूरा आपकी नसल कैविटी है ना, उस नसल कैविटी के अंदर चली जाएगी वो रॉड, रॉड क्या छतपतली सी एक वो होती है, प्लास्टिक की स्टिक होती है, तो आपको अनकंफर्टेबल लगेगा, तो इन्वेसिव होता है थोड़ा सा वो टेस्ट। तो ये जो सलाइवा टेस्ट है नॉन इन्वेसिव, आप आराम से अपना सलाइवा ले सकते हो, ना किसी तरीके का कोई दर्द है ना कुछ है, सस्ता भी हो सकता है ये कहा जाएगा, हो सस्ता ना भी हो तो गवर्नमेंट को इसको सब्सिडाइज करना चाहिए, और सारे स्टेट्स को और सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर मैसिव और एक मिशन मोड में कोरोना वायरस से लड़ना है तो इन टेस्ट किट्स को एक मैसिव स्केल पे इंडिया पे अडॉप्ट करना चाहिए। ये सब बातें यहाँ पे बोली गई हैं। अब आगे बात की गई दोस्तों यहाँ पे केरला की, फेलिंग टू राइज अप टू चैलेंजेस, केरला में क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है जिसके बारे में यहाँ पे बात करी गई है। केरला फेसेस द रिस्क ऑफ लूजिंग इट्स गेन्स इन ह्यूमन डेवलपमेंट एंड लाइफ स्टाइल एंड लाइफ स्टैंडर्ड्स। देखिए केरला अगर ह्यूमन रिसोर्स के टर्म्स में आप देखोगे दोस्तों बहुत एडवांस स्टेट है, लेकिन अभी केरला के सामने भी काफी परेशानियां हैं। पेंडेमिक तो वहां पे है ही, शुरुआत में तो केरला ने बहुत तगड़ा पेंडेमिक को कंट्रोल किया, केरला मॉडल को पूरे देश में रेप्लीकेट करने की बात की जाने लगी, बट अभी रिसेंटली ये समझ में आ रहा है कि भाई केरला में फिर से कोविड-19 रिसर्ज कर रहा है, प्लस केरला में नेचुरल कम्युनिटीज भी बहुत सारी आ रही हैं। इस कोविड-19 के लॉकडाउन के चलते और भी बहुत से नुकसान हो रहे हैं केरला के। केरला के लोगों का एक बहुत बड़ा तबका गल्फ कंट्रीज में काम करता है, बाहर के देशों में काम करता है, और वो लोग वहां से इंडिया में रेमिटेंसेस भेजते हैं। आप भैया इकोनॉमी तो बंद है, दुनिया भर के देशों की इकोनॉमी बंद है, तो रेमिटेंसेस आने भी बंद हो गए, और अगर रेमिटेंसेस आने बंद हो जाएंगे तो केरला की इकोनॉमी हिट होगी। केरला के एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स पे भी इफेक्ट पड़ा है, ऑब्वियस है। चलिए एग्रीकल्चर पे एक बार बोल दो कम पड़ा है, इंडस्ट्रियल पे तो बहुत ज्यादा पड़ा है, लॉकडाउन लगा, इंडस्ट्रीज बंद हो गई। और भाई गॉड्स ओन कंट्री, केरला इज गॉड्स ओन कंट्री, भाई बहुत सारे लोग केरला घूमने जाते हैं, मैं भी अभी रिसेंटली गया था, भाई बहुत अच्छी बहुत प्यारी जगह है, बट टूरिज्म बंद है, लॉकडाउन लगा हुआ है। पहले जो लोग ट्रिप घूमते रहते थे, ले लेके कैमरा व्लॉग बनाते रहते थे, उनका तो काम ही बंद हो गया, भाई क्या करें, हर जगह लॉकडाउन लग रखा है, कुछ तो डर गए हैं कि
कि भाई हमें कोरोना वायरस ना पकड़ ले। और अब देखिए टूरिज्म को उतना ज्यादा वेलकमिंग तरीके से लोग ले भी नहीं रहे अभी के लिए, कोरोना वायरस फैल रहा है आपका केरला में। अब मेरे जैसा इंसान अगर मुंबई से केरला चला जाएगा घूमने के लिए तो लोग अजीब तरीके से देखेंगे, क्योंकि टूरिज्म को अब उतना ज्यादा लोग वेलकमिंग तरीके से देख नहीं रहे। फिजिकल डिस्टेंसिंग पे ध्यान हो रही है, सोशल डिस्टेंसिंग पे ध्यान हो रहा है, तो उस चक्कर में टूरिज्म उतना वेलकम भी नहीं हो पा रहा है। हालांकि सरकारों ने नहीं रोका है बट वेलकम हो नहीं पा रहा है। अब अगर बात की जाए तो कोरोना वायरस का सबसे पहला केस केरला में आया था। एक लेडी थी जितना मुझे याद आ रहा है, वो वुहान में अपनी मेडिकल की स्टडीज कर रही थी, वो वापस केरला में आई तो उसको कोविड था, हालांकि ठीक हो गया। धीरे धीरे आप वो देखोगे कि जो कोविड है वो बहुत तेजी से केरला में बढ़ा। शुरुआत में जब केरला गवर्नमेंट के सामने ये प्रॉब्लम आई, जो LDF गवर्नमेंट थी उससे बोला गया कि भाई कंटेनमेंट और मिटिगेशन स्ट्रेटजीज दोनों होनी चाहिए। केरला ने तगड़ा लॉकडाउन लगाया और कंटेनमेंट किया, और शुरुआत में कंटेनमेंट में उनको फायदा भी मिला। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस आर्टिकल में जो भी व्यू पॉइंट्स लिखे हैं वो एक अपोजिशन मेंबर के व्यू पॉइंट्स हैं, तो कुछ हद तक वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करेंगे, बट मैं केरला की पॉलिटिकल मेच्योरिटी की तारीफ करूंगा। देखिए यहाँ पे जो उनके अपोजिशन के मेंबर है ना, वो भी सेंसिबल बेसिस पे गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बहुत सेंसिबल पॉइंट्स यहाँ पे इन्होंने बोले। अगर केरला में कोरोना की पैंडेमिक की फाइट के बारे में कहा जाए तो कंटेनमेंट और मिटिगेशन स्ट्रेटजी की बात होगी, तो केरला ने कंटेनमेंट तो तगड़ा किया बट मिटिगेशन नहीं किया। मतलब रोक तो लिया कोरोना वायरस के आउटब्रेक को, बट उस आउटब्रेक को दोबारा ना आ जाए उस चीज पे ध्यान नहीं दिया, मिटिगेशन नहीं किया, और मिटिगेशन के चलते जो कोरोना की फाइट है केरला की वो कमजोर पड़ गई। अभी के लिए केरला में एक दिन में 1,000 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे कोस्टल विलेजेस हैं जहां पे कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो चुका है। केरला को एक दिन में 75,000 से ज्यादा टेस्ट कराने की जरूरत है। ओके, मास टेस्टिंग होनी चाहिए पब्लिक प्लेसेस में, मार्केट्स में, जहां लोग बहुत मेजर स्केल पे काम करते हैं, रिटेल शॉप्स में। ओके, सुपर स्प्रेडर्स को फैलाना है, मतलब वो लोग जो एसिम्प्टोमेटिक है, वो लोग जो सबसे ज्यादा इस कोरोना वायरस को फैला सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। ठीक है, अच्छा अब लॉ एंड ऑर्डर में प्रॉब्लम आ रही। अब जो गवर्नमेंट है ना दोस्तों, जब ये कोरोना वायरस का आउटब्रेक फिर से वापस आया ना केरला में, गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट हो गई। अब भैया गवर्नमेंट सीधे सीधे अगर कोई लॉकडाउन को नहीं मान रहा है या फिर टेस्ट वगैरह नहीं कराया है तो सीधे सीधे उसको उठा रही है सड़कों से। कुल मिला के बात ये हो रही कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो रही है, अब लोगों का चलना मुश्किल हो रहा सड़कों पे, केरला की पुलिस इतनी ज्यादा एक्टिव हो रखी है। तो केवल कोरोना ही एक प्रॉब्लम नहीं है, और भी बहुत सी प्रॉब्लम है केरला में। ओखी साइक्लोन आया था 2017 में, इन सब चीजों को आप कोट कर सकते हो अपने आंसर्स में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। 2018 और 2019 में भी फ्लड्स आए थे केरला में, भाई हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी का नुकसान हो गया। अभी 10 दिन पहले पेत्तुमुड़ी मुन्नार के पास वहां पे लैंडस्लाइड हुआ, उसमें 50 से ज्यादा लोग मर गए। तो हालत काफी खराब है इस समय पे केरला की। तो सबसे पहली बात तो एनवायरमेंटल लैंड मैनेजमेंट के केस में केरला की गवर्नमेंट को काम करना है। जो लैंड स्लाइड का सक्सेसिबिलिटी मैप होता है उसमें केरला को काम करना है। तो भैया एनवायरमेंटल और जो मैन मेड डिजास्टर्स है उनको कम करना है, कोरोना वायरस से लड़ना है, प्लस मॉनसून सीजन है, मॉनसून सीजन के समय पे बहुत पानी बरसता है और केरला में तो तगड़ा ही बरसता है। तो भाई पहले से आपको एडवांस अरेंजमेंट्स करके रखने हैं, इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप नहीं करना है जिससे जान माल का नुकसान हो। फिर ये बोला गया कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी केरला की स्टेट सेक्रेटरीट में घुसी। अभी रिसेंटली जो गोल्ड स्मगलिंग केस हुआ था वो भी केरला से रिलेटेड है, उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई है। तो बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं यहाँ पे, कुछ पॉलिटिकल बातें भी कह रखी हैं कि एक चीफ मिनिस्टर है लंदन स्टॉक एक्सचेंज में जाके उन्होंने मसाला बॉन्ड की बात की। तो अब ये जो अपोजिशन के लीडर है वो ये बोल रहे हैं कि भैया जो लेफ्ट गवर्नमेंट है वो यहाँ पे कैपिटलिस्टिक स्टैंस को अपनाती हुई नजर आ रही है, जो कि सही नहीं है। करप्शन के चार्जेस भी लग रहे हैं। तो आप देखो जो पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम है केरला, उसमें माल प्रैक्टिसेस की बात हो रही है। गोल्ड स्मगलिंग केस के दौरान एक ऐसे पर्सन के ऊपर इल्जाम लगाया गया है जिसका बैकडोर अपॉइंटमेंट हुआ था स्टेट गवर्नमेंट में। तो इन सब चीजों की बात कही जा रही है। तो केरला के गवर्नेंस को सुधारने की जरूरत है। आपके लिए काम का क्या था? फ्लड्स, कोरोना वायरस, गोल्ड स्मगलिंग, ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीन चीजों के शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, एग्जाम में कोट करने में बहुत काम आएंगे। और फाइनल आते हैं इस आर्टिकल पे, इन बिहार अब बैलेंसिंग एक्ट ऑन पोल अलायंसेस। यहाँ पे LJP पार्टी की बात हो रही है, और LJP मतलब लोक जनशक्ति पार्टी। इसके जो प्रेसिडेंट है वो है चिराग पासवान, और एक पार्टी है जनता दल यूनाइटेड। इसके प्रेसिडेंट कौन है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार इस समय पे बिहार के CM है। अभी जब 2015 में इलेक्शन हुए थे दोस्तों, तो उस समय पे किसकी किसकी अलायंस बनी थी? जनता दल यूनाइटेड एक साइड पे था। उनके साथ कौन मिला?
राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल जो कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी है, और उनके साथ कौन था, कांग्रेस। तो जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस ने मिलकर अलायंस बनाया और एनडीए के खिलाफ लड़े, ठीक है, और वो जीत गए। बाद में आप देखोगे जनता दल यूनाइटेड नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस से मिल गया और अभी के लिए नीतीश कुमार जी सीएम है। बिहार असेंबली की बात की जाए तो बीजेपी के पास 53 सीटें हैं, जनता दल यूनाइटेड यूनाइटेड के पास 71 सीटें हैं, लेकिन ये जो लोक जनशक्ति पार्टी है ना, लोक जनशक्ति पार्टी के पास केवल 2 सीटें हैं आपकी बिहार की लेजिस्लेटिव असेंबली में। ये अलग बात है कि लोक जनशक्ति पार्टी के पास 6 सीटें हैं लोकसभा में, बट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में केवल 2 सीटें। इसी लोक जनशक्ति पार्टी के एक मिनिस्टर है रामविलास पासवान, जो कि अभी प्रेजेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में है, लेकिन चिराग पासवान जी को ऐसा इस आर्टिकल में लिखा है, मैं नहीं बता रहा हूँ, चिराग पासवान जी को यह लगता है कि हो सकता है कि मुझे सेंटर पे एक मिनिस्टीरियल पोस्ट ना मिले तो मुझे स्टेट की पॉलिटिक्स में अपने दम को बढ़ाना है। आप सबको ये पता है कि वो सीएम बनना चाहते हैं, वो बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे ये पता नहीं है। अभी के लिए जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी मिलके जो अक्टूबर 2020 में इलेक्शंस होने वाले हैं बिहार, उसमें मिलके लड़ेंगे। और जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी ने ये जो एलजीपी पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी है, इसको भी अलायंस में इनवाइट किया है। अब ये लोक जनशक्ति पार्टी ज्यादा शेयर चाहती है अलायंस में। कांग्रेस की जब बात हो रही है लोक जनशक्ति पार्टी की, तो कांग्रेस का सीधा सीधा ये बोलना है कि हम भी ज्यादा सीटों पर कंटेस्ट करेंगे। अब होने वाला क्या है क्या नहीं होने वाला ये तो पता नहीं, लेकिन देखिए आपको पता कितना होना चाहिए दोस्तों, बिहार पॉलिटिक्स के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि वहां पे कौन कौन सी मेन पार्टी है। तो क्या निकल के आ रही है यहां पे, राष्ट्रीय जनता दल, लोक जनशक्ति पार्टी, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, सॉरी ये बीजेपी गवर्नमेंट, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस तो सही है सेंटर में, तो जनता दल यूनाइटेड हो गया, मैं लिख देता हूं यहां पे, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल हो गया, फिर आपका ये बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया। इस बार के लिए जो जनता दल यूनाइटेड है वो बीजेपी एक दूसरे के साथ, एक एलजेपी लोक जनशक्ति पार्टी, तो जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी दोनों एक दूसरे के साथ मिल गए और एलजेपी को अपनी तरफ मिलाना चाहते हैं। कांग्रेस और आरजेडी पार्टी जो कि लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी है, मोस्ट प्रॉबली ये दोनों मिलकर एक दूसरे साथ कंटेस्ट करेंगे। बीजेपी और जेडीयू मिलकर एक दूसरे साथ कंटेस्ट करेंगे और दोनों ग्रुप शायद एलजेपी पार्टी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। अब ये एलजेपी पार्टी किस तरफ जाती है तो देखिए समय ही बताएगा, बट इस तरीके की कुछ पॉलिटिकल पोस्टरिंग चल रही है बिहार में। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन पॉलिटिक्स के बारे में कि कौन कौन सी पार्टियां हैं एक स्टेट की पॉलिटिक्स में, जो स्टेट स्पेशली इलेक्शन की वजह से न्यूज में है, इसकी हल्की फुल्की इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, इसलिए मैंने इसको डिस्कस किया। तो ये आपको वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, पसंद आई हो तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, जितने ज्यादा हो सके अपने मतलब दोस्तों को ओरली भी ये बताने की कोशिश करेंगे। हाँ भाई ये चैनल है, देख लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे दोस्तों, गुड बाय।